हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ TI मोबाइल एप्लीकेशन पर। आज हम फिर न्यू वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं और अब की बार वाला वीडियो थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इंडिकेटर्स के बारे में बताया जाएगा। इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है काम करने की, वो आपको मैं आज इस वीडियो से बताऊंगा। तो पहले हम जिन इंडिकेटर्स के बारे में आज बात करेंगे उनके नाम देख लेते हैं। ये रहे EMA, DMA, पिवट पॉइंट। आज हम इन तीन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। तो पढ़ लीजिए, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज अ टेक्निकल चार्ट इंडिकेटर दैट ट्रैक्स द प्राइस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। द EMA इज अ टाइप ऑफ वेटेज मूविंग एवरेज That gives more weightaging or importance to recent price data. Exponential moving average क्या होता है दोस्तों? ये जो exponential EMA जो हम lines लगाते हैं 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA, तो ये lines होती है ना, जो इनके अंदर price का data तो होता ही होता है, जैसे इनके अंदर news का data भी weightage के साथ connect हो जाता है। मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो उसी तेजी से उसी स्पीड से ईएमए प्राइस के साथ जाते हैं। तो जो ये ईएमए प्राइस के साथ जाते हैं तो ये हमारे को पहले सिग्नल देते हैं बाइंग और सेलिंग का। ईएमए सिंपल समझना है, मार्केट कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अब जैसे ईएमए के बारे में पता नहीं क्या क्या बताती रहती है, तो ईएमए को सिंपल समझना है। ईएमए का कॉन्सेप्ट, ईएमए का काम क्या है, हमको काम से मतलब है, मार्केट में हमको पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं तो सिंपल तरीका यूज करो। और मार्केट सिंपलिसिटी से ही चलता आ रहा है, मार्केट में ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ज्ञान लगाने वाले आज निफ्टी 7500 से 18000 पर है, तो ज्यादा ज्ञान लगाने वालों ने तो हर लेवल पे शॉर्ट किया निफ्टी को, देखो क्या हाल हो गया उनका। लेकिन जिनको पता था इंडियन मार्केट बुल मार्केट है, लेके बैठ जाओ भाई, डाउन साइड आई है, उन्होंने कुछ ज्ञान नहीं लगाया बस। तो ईएमए क्या करता है, ईएमए के अंदर प्राइस का वेटेज जो होता है और उसके साथ साथ टाइम और न्यूज का वेटेज भी होता है। तो ईएमए मूविंग एवरेज के अंदर सबसे बेस्ट होता है। अब आता है डीएमए। डीएमए ले लो चाहे एसएमए ले लो, डीएमए डिस्प्ले मूविंग एवरेज या एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज में भी क्या है, ये प्राइस के साथ साथ चलता है, लेकिन ये थोड़ा लेट चलता है। ईएमए जल्दी मूवमेंट करता है प्राइस के साथ और डीएमए थोड़ा लेट मूवमेंट करता है, ये हमें थोड़ा वेट करवा के सिग्नल देता है। इसमें हमें सिग्नल के अंदर थोड़ा लॉस ज्यादा हो सकता है और प्रॉफिट भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये लेट सिग्नल देता है। अब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के अंदर सिग्नल अगर आपको बाद में मिल रहा है तो फिर वो चीज गलत है ना। सिग्नल अगर आपको ईएमए पे पहले मिल रहा है तो ईएमए पे जाओ ना आप। तो डीएमए के अंदर क्या होता है अभी दिखाऊंगा मैं चार्ट के ऊपर। डीएमए में इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है चलने का प्राइस के साथ। अब आ जाते हैं हम पिवट पॉइंट। ये एक बेसिक है, बेसिक समझा रहा हूं, पढ़ लेना इनको एक बार। पिवट पॉइंट क्या होता है, ये हमारे को स्टॉक का डेली या इंट्राडे वीकली इन पे क्या है, हमारे को रेजिस्टेंस लेवल बताता है कि स्टॉक कहां तक जा सकता है और सपोर्ट लेवल बताता है कि स्टॉक कहां पे आके सपोर्ट ले सकता है। और पिवट पॉइंट का एक ऐसा पॉइंट होता है पिवट, जिसके ऊपर प्राइस अगर निकलती है तो प्राइस को बुलिश कहा जाता है और जिस पिवट के नीचे प्राइस आती है तो उसको बियरिश मूवमेंट कहा जाता है। सिंपल, यहां तक थोड़ा बैठा समझ में पिवट पॉइंट इंडिकेटर क्या काम आता है, ये ऐसे काम में आते हैं। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा, तो चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि ये ईएमए, डीएमए और पिवट पॉइंट तीनों में काम कैसे किया जाता है। इंडिकेटर के ऊपर आपको अभी नॉलेज लेनी है, नॉलेज लीजिए और फिर उन चीजों को चार्ट के ऊपर देखिए। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो दोस्तों ये आ गए हम चार्ट पे। ये चार्ट आप देख रहे हैं, इधर ईएमए देख लीजिए मैंने कौन कौन से ईएमए लगा रखे हैं। ये इंडिकेटर वाले ऑप्शन में मिलेंगे आपको, तो ईएमए पे वहां पे जाके इनकी वैल्यू बढ़नी है
20, 50, 100 एंड 200. जो 200 मूविंग एवरेज होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखो क्या हो रहा है इसके ऊपर। देखो ये चार लाइन है जो सबसे ऊपर ऊपर है, ये 20 सबसे छोटा ईएमए है, जो सेकंड नंबर पे है ये 50 ईएमए है, थर्ड नंबर वाला ईएमए है वो 100 ईएमए, 100 ईएमए, और फोर्थ नंबर वाला जो सबसे लास्ट में ब्लैक लाइन वाला ये 200 मूविंग एवरेज ईएमए एक्सपोनेंशियल। अब देखो यहां पे सारे ईएमए क्लोज हुए, जिसको मार्केट में गोल्डन क्रॉस ओवर कहा जाता है। प्राइस इसके ऊपर आई ना तो ये प्राइस ऊपर चल गई और ईएमए भी साथ साथ चल रही है। देखो ईएमए भी साथ साथ चल रहा है। अब चीज नोट करना, ये देखो प्राइस इन सारे ईएमए के ऊपर है, समझ में आ रहा है? प्राइस इन सारे ईएमए के ऊपर है। यहां पे 200 के पास भी आई लेकिन यहां पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर हो गई। तो अब एक चीज नोट करना, देख रहे क्या कर रहा है, जब इन सारे ईएमए के ऊपर प्राइस होती है तो प्राइस ऊपर चलती जाती है, ठीक है? अब ध्यान देना इधर, ये देखो ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है, ये देखो इधर भी प्राइस ईएमए के ऊपर है, चारों ईएमए के ऊपर है, चलता जा रहा है ऊपर, ये बीच बीच में करेक्शन आ रही है, ऊपर चलता जा रहा है, ऊपर चलता। लेकिन यहां पे प्राइस नीचे आते ही प्राइस नीचे हो गई। तो इसका सीधा सिंपल सा उपाय है, सिंपल सा यूज है, अगर प्राइस इन चारों ईएमए के ऊपर है तो वो ऊपर जाती जाएगी। तो हमको सीधा सा यूज करना है, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो हम बाय करेंगे, प्राइस इसके नीचे है तो हम निकल जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे उस पोजीशन के अंदर से, समझ गए? अब मैं आपको उसको 1 आवर पे दिखा देता हूं, 1 आवर का चार्ट, ये देखो छोटे टाइम फ्रेम पे मैं इसको चार्ट ले जा, ये देखो चलती जा रही है प्राइस। और मान लो आपने यहां पे एंट्री ली, हमको एंट्री लेनी है जब ये सारे पास पास में हो, जैसे दूर दूर हो गए यहां पे सारे, ये देखो ये दूर हो गए, ये दूर हो गए, ये दूर, ये दूर, ये सारे दूर हो गए, तब हमको एंट्री नहीं करनी, जब ये पास पास आ जाए जैसे यहां पे हमको एंट्री करनी है। और प्राइस अगर ईएमए के ऊपर चल रही है तो हम एंट्री कर सकते हैं, जैसे ये चारों ईएमए के ऊपर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम एंट्री कर सकते हैं, ये ऊपर जा रही है प्राइस, ठीक है? लेकिन अगर ईएमए के नीचे है तो एक बार एग्जिट कर जाना है हमें पोजिशन से, चाहे इंट्राडे हो चाहे कैसी हो। ये देखो यहां पे नीचे आए, अगर हमने इंट्राडे पोजीशन है कितने पर है, यहां पे देखना प्राइस दिख रही होगी आपको राइट साइड में, देखो 2150, 2150 रुपए पर इसने इसको ब्रेक कर दिया, इस 200 ब्लैक को ब्रेक कर दिया, चारों ईएमए के नीचे प्राइस है तो एक बार एग्जिट हो जाओ, ये देख लो ऊपर ही नहीं आ रहा, एक बार एग्जिट ऊपर आ जाने दो इसको ढंग से, ये ऊपर आ गया इधर, फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया इन लेवल का, इधर ऊपर आ गई प्राइस, बाय कर लो, बैठे रहो बाय करके, चलने दो, चलता जा रहा। अब कहीं तो निकलोगे, आपने यहां पे एंट्री ली, इसके ऊपर एंट्री ली है मैं के ऊपर 2160 में, चलता जा रहा है, चलते चलते ये पहुंच गया 2560, 400 पॉइंट ऊपर चला गया, ये यहां पे स्टॉप लॉस लगा दो, ये लास्ट ये में ये वाली जो ब्लैक लाइन है ये चलती जा रही है, यहां पे स्टॉप लॉस लगा दो 2400 पर। फिर भी अगर आप ये प्राइस नीचे आती है तो 2160 पे आपने एंट्री की और 2400 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस अगर कटता है तो हाथ जोड़ के निकल जाओ कि भाई प्रॉफिट हो गया हमको, तो 250 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत है 250 पॉइंट का, 350 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत है, और क्या चाहिए। और हमेशा ऐसे ही करना है इसके अंदर, जब भी ये पास आइए, देखो ये जब भी ये पास आए प्राइस ऊपर जाती है, ईएमए के इन लाइनों के ऊपर प्राइस जाती है तो हमेशा बाय कर लो और स्टॉप लॉस इस 200 ईएमए, ये जो ब्लैक लाइन है 200 ईएमए के नीचे रख लो और ऊपर चलने दो, चल रहा है, जब ये दूर दूर हो जाए लाइन निकल जाओ क्योंकि फिर ये नीचे आएगा, ये देख लो नीचे आ रहा है। मैं आपको ये चार्ट दिखा दूं पूरा, दिखा ये देखो यहां पे लाइन ब्रेक हुई, यहां पे एग्जिट हो जाओ, कुछ ही नहीं है, स्मॉल लॉस जा रहा है, एग्जिट हो गया, नहीं तो फिर ये नीचे, ये देखो कितना नीचे आ गया। अब यहां पे ये ब्रेक हो चुका था 2086 पे, फिर ये नीचे आया कितना 1879 पे नीचे आया। एंट्री कहां लेनी है हमारे को, इन लाइन के ऊपर प्राइस हो तब हमको एंट्री करनी है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? और जब ये नीचे हो
तब हमको एंट्री नहीं करनी है। सीधा सा मतलब है, इस ईएमए का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब ईएमए के ऊपर तब हम एंट्री लेंगे। और अगर ऐसी ऐसी जगह मिले आपको जहां ये ईएमए बिल्कुल एकदम एक दूसरे के पास हो, तब उसके ऊपर प्राइस हो तब एंट्री ले लो, अगर उसके नीचे प्राइस हो तब शॉर्ट करो और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, और फिर चलने दो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ ऊपर, चलते जाओ, स्टॉप लॉस लगा दो इस लाइन। ये तो हुआ ईएमए, ठीक है। अब मैं इस चार्ट को डेली पे ले जाता हूं, ये तो ईएमए। अब देखो आप खुद देखो, ये कोरोना में हम गिरे थे, यहां से हमने कोरोना में गिरे थे, रिलायंस का चार्ट यहां से गिरे थे, फिर आ गए हम यहां पे ऊपर आ गए, तुरंत ऊपर आ गए। ये देखो ये बन गया यहाँ पे, पास आ गई है मैं, तब मैंने बोला था रिलायंस बाय कर ले जाओ। रिलायंस चलता 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 2300 पहुंच गया, बताओ चलता जा रहा है, आपको कुछ ही नहीं करना, बस लेके बैठना ही ईएमए के ऊपर आ गया, चलते जाओ। अगर आपके स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट होते हैं तो 1900 रुपए पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो आपने एंट्री कहां ली, 1350 पे, 1500 पॉइंट फिर भी आपकी जेब के अंदर है। बस सीधा सा है ईएमए का, हमेशा इस ये डिसाइड के नीचे प्राइस रहेगी मैं नहीं लूंगा, इन लाइन के ऊपर प्राइस जाएगी तब मैं ले लूंगा, बस सीधा सा, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये तो हुआ ईएमए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीएमए की, अब आपको दिखाता हूं डीएमए। अब देखना डीएमए कितना स्लो काम करता है, ये देखो ये ब्लैक लाइन देखो कितने पर है, यहां पे देखो 2120 रुपए पर है ये ब्लैक लाइन का पॉइंट, ये 200 ईएमए, ये देखो यहां पे दिखा देगा आपको, यहां पे दिखा देगा, ये रहा ये लास्ट वाली लाइन है, जो ये लास्ट वाली 200, ये है 2120 पे। अब मैं आपको इसका डीएमए दिखाता हूं, ये देखो ये डीएमए देखो कितने पर है, डेली पे दिखाता हूं आपको, डेली चार्ट ये देखो, डेली चार्ट डीएमए में मतलब इतना शानदार आपको सेटअप नहीं मिलता। ये देखो डीएमए में 2090 पर है, तो मतलब 2120 पे स्टॉक वहां पे आपको सिग्नल देगा, सबसे पहले नीचे अगर गिरेगा तो 2120 पे देगा, लेकिन ये आपको सिग्नल देगा 2090 पर, 30 पॉइंट नीचे देगा ये सिग्नल आपको। तो कौन सा बेस्ट हुआ, वो 30 पॉइंट पहले ही आपको सिग्नल दे रहा है, वो 30 पॉइंट पहले ही आपको सिग्नल दे रहा है, ये सिग्नल दे रहा है 1400 रुपए पर, यहां पे बाइंग का उसने सिग्नल दिया 1360 रुपए पर, 40 पॉइंट पहले बाइंग का सिग्नल दे रहा है, वो बाइंग का सिग्नल दे रहा है यहां पे। तो ये भी प्रोसेस काम तो ये करता है, लेकिन इसमें क्या टाइम ज्यादा लगता है, ये आपको लॉस और प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दे सकता है, लेकिन सिग्नल बहुत लेट देता है ये ईएमए डीएमए। तो काम करने का तरीका इसका भी वही है, लेकिन इसका भी वही तरीका है कि प्राइस इसके ऊपर हो तब बाय बनेगी, प्राइस इसके नीचे हो तब एग्जिट हो जाओ पोजीशन से, या फिर उस शॉर्ट सेल कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा वो है, वो आपको पॉइंट्स पहले बता देता है, 30-40 पॉइंट पहले बता देता है वो आपको कि किस साइड जाने वाला है। अब यहां पे आप वेट करोगे डेली पर 2090 तक का, तो 30 पॉइंट तो वैसे ही तोड़ देगा वो, लेकिन ईएमए पर आपको, ईएमए के ऊपर आपको 30 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। डीएमए पर आपको 30 पॉइंट लेट मिलेंगे, ये डीएमए है। इनकी एवरेज चलती रहती है प्रीवियस डे के जो प्राइस होते हैं उनसे, और ये शुरू से चली आ रही है हमेशा, और हमेशा इन्वेस्टिंग करनी है हमारे को मंथली पे जो स्टॉक 200 ईएमए से ऊपर रहता है, मतलब ये रहा 200 ईएमए, ये पिंक वाला 200 ईएमए डीएमए मान लो, ईएमए भी इसके आसपास ही है ना, ये मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है सिंपल वाला, ईएमए भी इधर ही है, जैसे ये डीएमए कितने पर 685 रुपए, इसके ऊपर आप देख लो रिलायंस चलता जा रहा है, इसके ऊपर ही चलता जा रहा है इतने सालों से, कब से 2015 ऊपर ही चलता जा रहा है ये 2009 से, तो ये इन्वेस्टिंग कंपनी हुई कि नहीं हुई। इन्वेस्ट हमको करना है 200 ईएमए से ऊपर वाली कंपनी पे, समझ गए, जो 200 ईएमए के ऊपर जिस कंपनी की प्राइस रहती हो, ठीक है। ये तो हुआ आपका ईएमए डीएमए। ईएमए में ज्यादा प्रिफर करूंगा आपको ट्रेडिंग के लिए भी, इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि ईएमए सिग्नल आपको पहले देगा बाइंग का सेलिंग का, और बाइंग सेलिंग करनी कैसे है, जैसे सपोज मान लो ये ईएमए है,
ये ईएमए है, तो ईएमए जब पास पास आ जाएंगे, ईएमए जैसे ये मान लो ये ईएमए पास पास आ गए, इसके ऊपर अगर प्राइस है तो आप बाय करोगे, स्टॉप लॉस इन ईएमएस के नीचे लगा दोगे और फिर चलने दो और स्टॉप लॉस को इस 200 200 वाली लाइन पे लेके चले जाओ स्टॉप लॉस को, आप काफी अच्छे प्रॉफिट में निकलोगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, काम देखना है कैसे कर रहा है, ये देख लो आपके सामने, ऑब्जर्व करो चार्ट को, काम देखो कैसे कर रहा है। यहां पे प्राइस ऊपर आई, इनके ऊपर आई, प्राइस को ऊपर कर दिया, यहां पे प्राइस नीचे आई, प्राइस को नीचे कर दिया। तो सिंपल पकड़ो ना मार्केट को, क्या खोजने में लगे हुए हो आप लोग, क्या खोज रहे हो मार्केट के अंदर। चीजें सिंपल है, सीधी है, लेकिन सिंपल चीजें हमको पसंद नहीं है, रिटेलर को पसंद नहीं है। ये देखो प्राइस इसके नीचे आई, प्राइस को नीचे कर दिया, सिंपल काम हो रहा है। तो ईएमए देखना चालू करो, 20 50 100 और 200, और एंट्री कहां लेनी है, जब ऐसा सेटअप आपको मिले ये वाला, तब इसके ऊपर एंट्री ले जाते। अब आ जाते हैं हम पीवट पॉइंट पे। तो पीवट पॉइंट ये, जैसे पीवट पॉइंट का ये आपको एक चीज बता दिया जाता है कि पीवट पॉइंट, मैं बता देता हूं आपको, इंडिकेटर में गए, जियोदा का चार्ट है ये, पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड ये मांगेगा, इसमें जाके सेटिंग में चेंज करना है, ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची वाला करना है। फिबोनाची में आपको ये रहा, ये बीच के अंदर जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली। अब इसके अंदर देखो ये क्या है, R1, R2, R3 और P। P का मतलब पीवट, अभी बताया था ना मैंने आपको डेफिनेशन, पीवट एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर अगर प्राइस रहती है तो बुलिश जाना जाता है स्टॉक को, जिसके नीचे प्राइस रहती है तो बियरिश। और ये S1, S2, S3 होते हैं सपोर्ट लेवल। तो प्राइस ये देखो यहां पे S1 पे आके रुकी, यहां पे काफी देर तक कंसोलिडेट रही प्राइस, उसके बाद ये ऊपर जाने लगी तो पीवट के ऊपर आ गए। पीवट कितना है, 2518 है पीवट के ऊपर, ब्रेकआउट दे इतनी बड़ी कैंडल्स, ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूं मैं। तो ट्रेडिंग के अंदर पीवट को कैसे यूज किया जाता है, अब इसके ऊपर प्राइस निकली तो आप यहाँ पे इस एरिया में बाय कर सकते हो इसको, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट ही, यहाँ पे इस एरिया में बाय कर सकते हो 2520 पे। स्टॉप लॉस इस पीवट का, इस ब्लैक लाइन का लगा दो स्टॉप लॉस 2517, ठीक है, 5 पॉइंट का स्टॉप। टारगेट कहां तक देखे जा रहा है, 2536, 15 पॉइंट का टारगेट ये देके जा रहा है ऐसे ही। अब जब ये आया रेजिस्टेंस 2 से, ये वापस नीचे हुआ, फिर पीवट के ऊपर आ गया, पीवट के ऊपर आया, कंसोलिडेट रहा, फिर रेजिस्टेंस 1 को पार गया, फिर रेजिस्टेंस 2 पे जाके रुक गया, ये देख लो रेजिस्टेंस 2 पे जाके। ऐसे ये हर दिन अलग बनता है, अलग इसका काम करने का तरीका रहता है। ये देख, ये बन रहा है इधर, पीवट के नीचे प्राइस थी, नीचे ही रही, सपोर्ट लेती रही, हर दिन का अलग चलता है ऐसे ही, हर दिन का। पीवट के ऊपर प्राइस होगी तो आराम से स्टॉक ऊपर जाएगा, और नीचे S1, S2, S3 सपोर्ट लेवल होते हैं, और ऊपर जैसे पीवट के ऊपर प्राइस निकलती है इसके, तो ये हमको बताती है कि रेजिस्टेंस 1 पहला ये है, यहाँ पे दूसरा बार रेजिस्टेंस 2 है, तीसरी बार रेजिस्टेंस 3 है। तो फर्स्ट बार में हम टारगेट ले सकते हैं रेजिस्टेंस 1 का, रेजिस्टेंस 2 का, अगर 1 को पार करके जाता है तो ये, और फिर 2 को पार करके जाता है तो फिर रेजिस्टेंस 3 तक ये जाता ही जाता है। सपोर्ट अगर इसके ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर ये सपोर्ट 1 को ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट 2 पे जाएगा, फिर सपोर्ट लेने, सपोर्ट 2 को ब्रेक करता है तो सपोर्ट 3 पे जाएगा। ये ऐसे ही अगर मैं इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, 15 मिनट पे, ये देखो 15 मिनट पे भी ये ऐसे ही काम करता है, हर टाइम फ्रेम पे ये चीज ऐसे ही काम करती है। चीज को समझना है कि ये काम कैसे कर रही है पीवट पॉइंट। पीवट पॉइंट का सीधा सिंपल सा उदाहरण है, एग्जांपल है कि ये ब्लैक लाइन है बीच में जो ये वाली ब्लैक, इसके ऊपर प्राइस निकलती है तो बुलिश कहा जाता है, इसके नीचे प्राइस जाती है तो बियरिश, यानी कि ये आपको सपोर्ट बताती है, इसके नीचे जाती है तो S1 कितना सपोर्ट है, यहां तक आ सकता है, S2 ब्रेक होता है तो S2 तक आ सकती है, S2 ब्रेक होता है तो S3 तक आ सकती है, ऐसे ही रेजिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ तक प्राइस जा सकती है। पीवट के ऊपर अगर प्राइस है तो पहला रेजिस्टेंस अब देख लो, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी, दूसरा यहाँ पे भी, तीसरा इसने यही लिया, चौथा रेजिस्टेंस भी इसने यही पे लिया 2 के आसपास,
तो ऐसे डिसाइड होते हैं टारगेट ट्रेडिंग के अंदर। आई होप आपको पीवट समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ नहीं है इनके अंदर, इनके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें सिंपल है। इस ब्लैक लाइन के ऊपर प्राइस है तो बाइंग होगी, इस ब्लैक लाइन के नीचे प्राइस है तो बाइंग नहीं होगी, शॉर्ट सेल होगी। ठीक है, ऐसा रिटर्न मिलता है यहाँ। तो ये तो एक पिवट पॉइंट इंडिकेटर था, बेसिक नॉलेज आपकी बढ़ाने के लिए। अच्छा लगा वीडियो इंडिकेटर्स का, तो मोबाइल एप्लीकेशन को शेयर कीजिए लोगों तक ताकि उनका टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बढ़े। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी इंडिकेटर आने वाले हैं अच्छे से। अभी आपकी क्या है, बेसिक नॉलेज बढ़ाई जा रही है। जो न्यू कमर्स है उनको अभी तक कुछ पता भी नहीं है मार्केट के बारे में, वो क्या है, वो सिर्फ तेजी देख के मार्केट के अंदर आ रहे हैं। इसलिए बेसिक वीडियो के लिए हमने ये चीजें स्टार्ट की है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।